हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एसडी। आज की वीडियो में हम लोग रिएक्ट नेटिव में एक वीडियो प्लेयर बनाने वाले हैं। हमारे पास म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है, हमारे पास वीडियो को पॉज एंड प्ले करने का ऑप्शन है एंड भी बहुत सारे कंट्रोल जिसमें हमारे पास अवेलेबल है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड ये वीडियो प्लेयर बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिएक्ट नेटिव का टेम्पलेट कोड सेटअप कर रखा है। यहाँ पे मैंने एक चेंज किया है, हमारे पास एक एसेट्स का फोल्डर बनाया है मैंने, जिसके अंदर वीडियोस का फोल्डर है और उसमें एक मैंने डमी वीडियो डाल रखी है .mp4 एक्सटेंशन की। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, हमारे को एक पैकेज इंस्टॉल करना है जिसका नाम है रिएक्ट नेटिव वीडियो प्लेयर। ये हमारा पैकेज है जो हमारे को इंस्टॉल करना है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहां से इंस्टॉलेशन कमांड कॉपी ना करके इसने नीचे एक इंस्टॉलेशन की दो तीन चीजें दे रखी हैं, हमें उन्हें कॉपी करना है एंड इनको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं, अब आगे का प्रोसेस सेटअप करते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है हमारे को कि एक कमांड दे रखी है, इस कमांड को हमें कॉपी करना है और एंड्रॉयड ऐप के अंदर build.gradle में जाके पेस्ट करना है। सो चलते हैं एंड्रॉयड ऐप build.gradle, इसमें सबसे ऊपर इस कमांड को हम पेस्ट कर देंगे, सेव करते हैं। और आगे एक चीज़ और बोली भी है, ये jcenter नाम से हमारे को एक फंक्शन कॉल करना है अपने प्रोजेक्ट के एंड्रॉयड में build.gradle। सो एंड ये एंड्रॉयड, इसके अंदर हम जाएंगे build.gradle एंड यहाँ पे हमारे पास ऑल प्रोजेक्ट्स में रिपोजिटरीज है, इसके अंदर हम अपना जे सेंटर को कॉल कर लेंगे, सेव करते हैं एंड इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। चलिए सो यहाँ पे कमांड रन करेंगे npx react native run android। हमारा एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है, तो चलिए सबसे पहले इसमें हम अपने वीडियो प्लेयर को एम्बेड करते हैं। उसके लिए हमारे को इम्पोर्ट करना पड़ेगा वीडियो प्लेयर। सो इम्पोर्ट वीडियो प्लेयर फ्रॉम रिएक्ट नेटिव वीडियो प्लेयर। अब हमने ये जो टेक्स्ट डाला हुआ है इसकी जगह हम वीडियो प्लेयर को कॉल करेंगे एंड इसके अंदर हम वीडियो का एक प्रॉप पास कर देंगे। वीडियो के प्रॉप में हमारे को अपनी वीडियो पास करनी है जो हम अभी जो लोकली यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोकली वीडियो यूज़ नहीं कर रहे हो, आप नेटवर्क से यूज़ कर रहे हो, सो आपको URI का पैरामीटर पास करना है। ऐसे दिखा देते हैं, सो यहाँ पे हम रिक्वायर की जगह URI पास करेंगे एंड इसके अंदर हम अपनी वीडियो की स्ट्रिंग पास कर देंगे। क्योंकि हमारे पास लोकल वीडियो है सो हम यहाँ पे उसे रिक्वायर कर लेंगे। सो इंपोर्ट करते हैं एसेट्स में वीडियोज में जाके डमी वीडियो .mp4, ओके सेव करते हैं। यहाँ पे हमारी वीडियो आ गई है, देखते हैं इसे, ये कंप्लीटली प्लेबल वीडियो है, सब चल रहा है। अभी हम आगे इसमें और मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो इसमें अब हमारे पास और भी अलग अलग प्रॉप्स हैं। सबसे पहला प्रॉप होता है हमारे पास वीडियो हाइट का, यहाँ पे हम अपनी वीडियो की हाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। हम अभी के लिए हाइट दे देंगे 500 एंड सो इसकी हाइट हमारी चेंज हो रही है ना। ऐसे ही हमारे पास एक प्रॉप होता है वीडियो विड्थ का, इसमें हम अपनी वीडियो की विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं विड्थ कर दूंगा 400 एंड क्योंकि हमारी मैक्सिमम है सो ये मैक्सिमम विड्थ के हिसाब से अलाइन हो जाएगी हमारी वीडियो। डिवाइस की मैक्सिमम विड्थ है सो 400 डिवाइस विड्थ से ज़्यादा हो गई, इसे कम कर लेते हैं, इसे 100 कर देंगे, ज़्यादा कम हो गई, एक काम करते हैं 200 कर देते हैं। सो ये हमारी यहाँ पे वीडियो आ रही है, ठीक है, इनकी हमारे को नीड नहीं है। सो इन्हें एक काम करते हैं, हटाते नहीं है, इन्हें हम कमेंट कर देंगे, यहाँ से इन्हें कमेंट कर देंगे। कमेंट करते ही हमारी जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंगली वीडियो को अलाइन कर देगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे अपना वीडियो को थंबनेल भी एक दे सकते हैं। सो ये हमारा थंबनेल है जिसे मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये उसका लिंक है। तो यहाँ पे इस थंबनेल को पास करते हैं URI एंड इसके अंदर अपना थंबनेल पास कर देंगे। सो जब हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम डिस्प्ले होती है, जब प्ले नहीं हो रही उस टाइम पे ये वाला थंबनेल विजिबल होगा। चलिए काम करते हैं, एप्लीकेशन को रीलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा थंबनेल विजिबल हो गया, मेरे को पता है कुछ ज्यादा ही रैंडम थंबनेल हो गया, बट कोई नहीं, अभी के लिए उसे इग्नोर करते हैं, हम अपना आगे वीडियो पे ही कंटिन्यू करते हैं। ये थंबनेल आ गया, ऐसे ही हम एक एंड थंबनेल भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जब हमारी वीडियो एंड होगी सो एंड होने के बाद वहाँ पे क्या थंबनेल विजिबल हो उसमें भी हम सेम ही डाल देते हैं। ये हमारे को ये जो URL है ये एक रैंडम इमेज ला के दे देता है,
370 विड्थ एंड 210 हाइट की, सो इसके अकॉर्डिंगली ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो एंड पे एक थंबनेल आएगा एंड स्टार्टिंग में एक थंबनेल आएगा, वीडियो प्ले करते हैं। हमारी वीडियो एंड होते ही यहाँ पे हमारे को एक और थंबनेल आ गया। अब हमने एक चीज नोटिस की थी कि जब हमारी वीडियो आ रही है सो उसमें नीचे ड्यूरेशन नहीं आ रही, यहाँ पे अगर हम देखें सो वीडियो की ड्यूरेशन नहीं आ रही हमारे पास इसकी टाइमलाइन में। इसमें ड्यूरेशन डालने के लिए हमारे पास एक प्रॉप होता है शो ड्यूरेशन। सो शो ड्यूरेशन एक बुलियन वैल्यू रिसीव करेगा जिसमें हमारी ड्यूरेशन आ जाएगी, हमारे को बुलियन पास करना है सिंपली, शो करनी है या नहीं करनी। चलिए सेव करते हैं एंड अप्ले करेंगे। सो यहाँ पे हमारी वीडियो में ड्यूरेशन भी आ रही है। आगे अगर हम देखें, अब हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई भी हमारा वीडियो शो होती है वो ऑटो प्ले हो जाए। सो ऑटो प्ले के लिए हमारे पास एक प्रॉप है ऑटो प्ले, हम ऑटो प्ले को पास कर देंगे सो उससे वीडियो ऑटो प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। रिफ्रेश करते हैं एक बार। सो एप्लीकेशन रीलोड होते ही हमारी वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होने लगी। अब हम चाहते हैं ये जो इसके नीचे सीक बार आ रही है जहां पे कि इसकी वीडियो ड्यूरेशन आ रही है या दूसरी चीजें आ रही है, हम उसका टाइम आउट एडजस्ट करना चाहते हैं। सो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉप होता है कंट्रोल्स टाइम आउट, यानी कि वो जो सीक बार है वो कितनी देर के बाद डिसअपियर हुए। हम चाहते हैं कि लेट से वो 2 सेकंड्स के बाद डिसअपियर हो, सो यहाँ पे हम मिली सेकंड्स में टाइम पास कर देंगे 2000। सो ये 2 सेकंड्स हो गया। सेव करते हैं। सो यहाँ पे हमारी 2 सेकंड्स के लिए सीक बार विजिबल हुई एंड उसके बाद वो हाइड हो गई। यहां से हम उसका टाइम आउट को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी देर के लिए हमारे को वो चाहिए या कितनी देर के लिए नहीं चाहिए। अब हम चाहते हैं कि वो कभी भी डिसअपियर हो ही ना, सो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉप होता है डिसेबल सीक ऑटो हाइड, डिसेबल कंट्रोल इज ऑटो हाइड सॉरी। सो इसमें हम बुलियन वैल्यू पास करते हैं ट्रू या फॉल्स की एंड बेस्ड ऑन दिस वो हमारी हाइड करेगा या नहीं। हमने ट्रू पास कर दिया है सो वो डिसेबल्ड हो जाएगी, ऑटो हाइड डिसेबल हो जाएगा उसका। अब हम देखें सो एंटायर वीडियो में हमारा ये जो कंट्रोल नीचे का सीक बार है ये डिसअपियर हो ही नहीं रहा है, सो ये हमने इसके थ्रू कंट्रोल किया है डिसेबल कंट्रोल्स ऑटो हाइड। ऐसे ही और भी हमारे पास प्रॉप्स हैं, हम चाहते हैं कि जब हमारी वीडियो प्ले हो रही है सो वो म्यूटेड हो, सो उसके लिए एक प्रॉप है म्यूटेड, हम म्यूटेड को ट्रू पास कर देंगे म्यूटेड ट्रू। सो जैसे ही वीडियो प्ले होगी वो म्यूटेड फॉर्म में प्ले होगी, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वीडियो म्यूटेड फॉर्म में तो प्ले होगी बट उसको अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं होगा। सो इससे एक बेटर प्रॉपर्टी होती है हमारे पास डिफॉल्ट म्यूटेड, डिफॉल्ट म्यूटेड को हम ट्रू कर देंगे। इसका मतलब है वीडियो जब प्ले होगी तो म्यूटेड फॉर्म में प्ले होगी बट हम उसे अनम्यूट भी कर सकते हैं, अनम्यूट करने का ऑप्शन होगा। चलिए एक बार रीबिल्ड करते हैं एंड चेक करते हैं। हमें बार बार रीबिल्ड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो हम प्रॉप्स इसमें बार बार पास कर रहे हैं वो प्रॉप्स इसकी फंक्शनैलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से हर फंक्शनैलिटी ऐड करने के बाद हमें रीबिल्ड करने की जरूरत है। यहाँ पे देखते हैं चलिए इसे। सो यहाँ पे हमारे पास म्यूट एंड म्यूट का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ से उसे टॉगल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इसमें प्रॉप होता है, हम चाहते हैं कि जो नीचे हमारी वीडियो आ रही है इसमें ये सीक बार आ रही है, हम इसकी हेल्प से अपनी वीडियो को आगे पीछे शिफ्ट कर पा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे हमारे को वीडियो ले जानी है सो हम सीक बार से उसे कर पा रहे हैं, हम इसे ही डिसेबल करना चाहते हैं सो हमारे पास एक प्रॉप होता है डिसेबल सीक, हम इसे ट्रू कर देंगे तो ये जो सीक बार है यही हमारी एंटायरली डिसेबल हो जाएगी, हम वीडियो को आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास उसका ऑप्शन आ ही नहीं रहा वीडियो की ड्यूरेशन को आगे पीछे करने का, सीक बार डिसेबल हो गई है। एक और प्रॉप होता है, हम चाहते हैं कि जैसे ही हम वीडियो पे क्लिक करें तो जो वीडियो है वो पॉज हो जाए, सो एक प्रॉप होता है इसका हमारे पास पॉज ऑन प्रेस, जब हम वीडियो पे प्रेस करेंगे सो वीडियो पॉज हो जाएगी। देखते हैं, ये हमने वीडियो पे क्लिक किया एंड ये हमारी पॉज हो रही है यहाँ पे। सो ये हमारा फीचर देता है, जैसे हमने जनरली देखा है कि प्लेयर के बीच में हमारा पॉज एंड प्ले का बटन नहीं आ रहा है बट हम उस पर क्लिक करके उसके पॉज एंड प्ले स्टेट को टॉगल कर सकते हैं, वो हम इससे कर सकते हैं यहाँ पे पॉज ऑन प्रेस से। ऐसे ही और भी बहुत सारे अलग अलग प्रॉप्स हैं, आप इसकी गिटहब रिपोजिटरी को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करोगे सो वहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये इसकी गिटहब रिपोजिटरी का लिंक है, यहाँ पे ये पूरा इसका कोड है एंड नीचे इन्होंने कई सारे अलग अलग एग्जांपल्स वगैरह और भी क्या क्या इसके पास फीचर्स हैं वो सब दे रखे हैं, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो एंड और भी इसमें फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हो। बट ये हमारी बेसिक बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं, हमने विद इन 5 to 10 मिनट्स एक कम्प्लीटली वर्किंग वीडियो प्लेयर बना लिया रिएक्ट नेटिव में, जो कि हम अपने किसी भी एप्लीकेशन में इजिली एम्बेड कर सकते हैं। सो
आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।